कंगना रनावत को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ की जवान को 1,00,000 रुपए देगा पंजाब का बहुत बड़ा बिजनेसमैन, किया गया मीडिया के सामने सबसे बड़ा ऐलान। दरअसल हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीतने वाली कंगना रनावत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ की महिला सिपाही ने थप्पड़ जड़ दिया। कंगना को थप्पड़ मारने वाली सिपाही का नाम कुलविंदर कौर है। कुछ लोग कंगना को थप्पड़ मारने वाली इस महिला सिपाही के पक्ष में भी आ गए हैं। उन्हीं में से एक है पंजाब के जीरकपुर का एक बिजनेसमैन। इस बिजनेसमैन ने कंगना को थप्पड़ मारने वाली इस सिपाही को इनाम देने की घोषणा की है। दरअसल पंजाब के जीरकपुर के बिजनेसमैन शिवराज सिंह बैंस ने ऐलान किया है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सांसद कंगना रनावत को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर को 1,00,000 रुपए देंगे। उन्होंने इसका एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में शिवराज सिंह बैंस कह रहा है कि मैं कंगना रनावत को थप्पड़ मारने वाली इस महिला सिपाही को सलाम करता हूँ। उसने पंजाब और पंजाबियत को बचाने के लिए ऐसा किया है। मैं उसके इनाम के तौर पर 1,00,000 रुपए दूंगा। तो वहीं कंगना को थप्पड़ मारने वाली महिला सिपाही कुलविंदर का कहना है कि कंगना के किसान आंदोलन पर दिए गए बयान से आहत थी। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के वक्त कंगना के बयान से नाराज हैं। एक्ट्रेस ने तब कमेंट किया था कि पंजाब की महिलाओं ने पैसे के लिए किसान आंदोलन में हिस्सा लिया था। कौर आगे कहती कि आंदोलन में उनकी माँ भी बैठी थी, उसी बात का बदला लेने के लिए उन्होंने कंगना को थप्पड़ मारा। तो वहीं इस मामले में कंगना रनावत ने एक वीडियो जारी कर अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि महिला ने उन्हें थप्पड़ मारने के साथ गाली भी दी। कंगना ने पंजाब में आतंक और हिंसा में हैरान करने वाले वृद्धि शीर्षक से एक वीडियो बयान पोस्ट किया। कंगना ने वीडियो में कहा कि वो सुरक्षित हैं और ठीक हैं, लेकिन पंजाब में बढ़ते आतंकवाद को लेकर चिंतित भी हैं। कंगना ने दिल्ली पहुंचने के बाद बयान जारी कर कहा कि महिला सिपाही उनकी ओर आई, उसने मुझे थप्पड़ मारा और मुझे गाली देना शुरू कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि जब मैंने उसे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उस सिपाही ने कहा कि वो किसान आंदोलन का समर्थन करती हैं।